नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 8 के श्लोक 9 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविम पुराणाम अनुससी ताराम अणोर अनियम साम अनुस्मरे सर्वस्य द तरम अचिंत्य रूपम अदित्या वरणम तमसा परस्तात। वन शुड मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम पर्सन एज द वन हु नोज एवरीथिंग, एज ही इज द ओल्डेस्ट, हु इज द कंट्रोलर, हु इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, हु इज मेंटेनर ऑफ द ऑफ एवरीथिंग, हु इज बियॉन्ड द मटीरियल कंसेप्शन, हु इज इनकन्विंसिबल एंड ही हु इज ऑलवेज अ पर्सन, ही इज ल्यूमिनस लाइक द सन एंड ही इज ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड दिस मटीरियल नेचर। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबको भगवान कृष्ण के बारे में, सुप्रीम लॉर्ड के बारे में, जिस किसी फॉर्म में आप सोचे, अलग अलग रिलीजन के लोग भी है, तो आप सुप्रीम सोल सोच सकते हैं, सुप्रीम एनर्जी को सोच सकते हैं। तो उनको हमें सोचना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो सबसे पुराने हैं, वो कंट्रोल करते हर एक चीज को, वो छोटे से भी छोटे हैं, वो मेंटेनर है हर एक चीज का, वो मटेरियल कंसेप्शन से बहुत आगे हैं, ठीक है। उनको अटेंड किया नहीं जा सकता उस तरीके से, मतलब वो इनकन्विंसिबल, उसको आप नाप तोल नहीं सकते, आप उनके बारे में समझ ही नहीं सकते, वो ऐसी माया है। हु इज ऑलवेज अ पर्सन, लेकिन वो एक इंसान है हमेशा ही, वो ल्यूमिनस है, सूर्य की तरह वो चमकते हैं, वो स्पिरिचुअल है और मटीरियल नेचर के बहुत परे हैं, ठीक है, वो एक अलग ही माया खुद ही है। सो यहाँ में पढ़ लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ द सुप्रीम इज मेंशनड इन दिस वर्स। The foremost point is that he is not impersonal or void. One cannot meditate on something impersonal or void. That is very difficult. The process of thinking of Krishna, however, is very easy and is factually stated herein. Now, first of all, the Lord is Purusha, a person. We think of the person Rama and the person Krishna, and whether one think of Rama or of Krishna, what we like is prescribed in the words of Bhagavad Gita. The Lord is Kavi, that is, he knows past, present and future and therefore knows everything. He is the oldest personality because he is the origin of everything, therefore is born out of him. He is also the supreme controller of the universe and he is the maintainer and instructor of humanity. He is smaller than the smallest. The living entity is 1/10,000 part of the tip of a hair, but the Lord is so inconceivably small that he enters into the heart of this particle. Therefore, he is called smaller than the smallest. As the मतलब सबसे छोटे से भी छोटा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, मैं बता देती हूँ। जैसे बोला गया कि भगवान को एक इंसान बोला गया है, क्योंकि वो इंसान के रूप में आए थे, कृष्ण और राम के रूप में। तो जो भगवान जो है वो कवि है, क्योंकि उनको सब कुछ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर एक चीज के बारे में पता है, वो सबसे पुराने हैं। एंड यहाँ पे जब मैंने पहले भी समझाया कि वो सबसे छोटे अंश के भी हृदय में वास कर सकते हैं, तो उस सबसे छोटे से भी छोटा है, ठीक है। So although so small, he is still all pervading. सबसे छोटे से ही छोटा अंश होने के बावजूद भी हर जगह पे अवेलेबल है, हर सर्वत्र में वो है, ऑल pervading. And is maintaining everything by him. कभी कभी सोच के लगता है काश मैं भगवान होती, माने दिस इज सो ब्यूटिफुल, नो सो वाओ, ओके। Although small, he is still pervading and is maintaining everything by him. All this, इसलिए तो बोला जाता है कि हर वक्त भगवान के बारे में सोचिए, मृत्यु के वक्त सोचता कि उन जैसा बन पाए, एटलीस्ट उनका कुछ अंश तो मिल जाए। वो खुद बोल रहे कि आप कृष्ण अटेंड हो जाएंगे, आप कृष्ण की एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे, तो इतनी सारी एनर्जीज आपके अंदर आ जाएगी जो उनके अंदर है। सो By him, all these planetary systems are sustained. We often wonder how these big planets are floating in the air. It is stated here that the Supreme Lord, by his inconceivable energy, sustaining all these big planets and systems of galaxies. The word Achintya, inconceivable, is very significant in the connection of God's energy, is beyond our conception, beyond our thinking, jurisdiction, and is
देयरफॉर कॉल्ड इनकंसेबल अचिंत्य, मतलब हम लोगों के सोच से बहुत परे है, भगवान की जो सिग्निफिकेंस है या उनकी जो एनर्जी है वो हमारे सोच से बहुत आगे है, हम पकड़ ही नहीं सकते। वी कैन नॉट कम्प्रीहेंड इवन दिस मटीरियल वर्ल्ड विच इज इनसिग्निफिकेंट कम्पेयर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो हाउ कैन वी कम्प्रीहेंड वॉट इज बियॉन्ड। अचिंत्य मीन्स दैट विच इज बियॉन्ड दिस मटीरियल वर्ल्ड, दैट विच आवर आर्ग्यूमेंट लॉजिक एंड फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन कैनॉट टच, दैट विच इज इनकन्विंसिबल। देयरफॉर इंटेलिजेंट पर्सन्स अवॉइडिंग यूजलेस आर्ग्यूमेंट एंड स्पेक्यूलेशन शुड एक्सेप्ट वॉट इज स्टेटेड इन स्क्रिप्चर्स लाइक द वेदास, भगवद्गीता एंड श्रीमद भागवतम एंड फॉलो द प्रिंसिपल दे सेट डाउन, दिस विल लीड वन टू अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत सारे इंटेलिजेंट मैन जो होते हैं, जो झगड़ा करना पसंद नहीं करते, वो अच्छे एनर्जीज में रहते हैं, उन सबको भगवद्गीता पढ़ना चाहिए और पढ़ के समझना चाहिए और उस एनर्जी में रहना चाहिए ताकि उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। यही तथा श्लोक नंबर 9 ऑफ भगवद्गीता चैप्टर 8। अगले वीडियो में हम श्लोक 10 को कवर करने वाले, उसके तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे जय श्री राम।